पढ़ते हो? हाँ जी। कौन सी क्लास में? सिक्स्थ में जी। आगे क्या करना है? कुछ भी नहीं जी, कुछ नहीं। पढ़ना है जी बस। आगे तो आगे पढ़ना है। हाँ, नौकरी लगवानी, नौकरी लगवानी, नौकरी। तो नौकरी तो जैन चौधरी देगा, अखिलेश देंगे। वैसे चाहता देंगे नौकरी जी। अरे वैसे मोदी ने तो एक भी भर्ती, मोदी ने तो एक भी भर्ती नहीं काटी जी। बोलो देख लो तभी जैन चाचा का क्या होगा? अखिलेश चाचा कौन है जी? हम जानते ही ना जैन चाचा को। भड़क गए हो बासन से? शेर है जी वे तो। किधर है शेर? है भड़काऊ है? नहीं शेर है, शेर शेर है, शेर। लोग नु कहते हैं कि बीजेपी का अध्यक्ष है, कुछ नहीं है अध्यक्ष। ये तो शेर है, शेर बच गए, शेर बच गए, शेर अल्लाह ने बचाए है। अरे पतंग भी तो कट गई। पतंग पतंग तो बंदरी में, ये बंदरी यहाँ दिखने से थोड़ी होगा। ये बंदरी पतंग तो, अरे यहाँ दिखने से थोड़ी होगा। और भाई उड़नी भी चाहिए ना, बोट भी पढ़नी चाहिए। भी थोड़ी देर पहले उड़ी थी पतंग भी। हमें पैसे नहीं चाहते, हमें मोहब्बत है। वो ऐसी चाचा का मोहब्बत है, मोहब्बत है। वो ऐसी चाचा जिंदाबाद, कहते ना कि गला फट जाएगा। फिर रुक जा, हम जब चुनावी चुनावी कवरेज पे निकलते हैं तो बच्चे अक्सर टकरा जाते हैं। और वैसी के सभा के बाद तो बच्चों का जुनून देखने को मिलता है। एक और बच्चा आज टकराया हमने आपको, मेरठ का दिखाया था सिवाल खास के एक बच्चे को, फिर साहिबाबाद के कुछ बच्चों को दिखाया। आज हम यहाँ पहुँचे हैं छपरौली विधानसभा है, और छपरौली विधानसभा में असदुद्दीन ओवैसी के सभा के बाद एक बच्चा गला फाड़ के चिल्ला रहा है असदुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद और चाचा जिंदाबाद। हाँ ये मोहब्बत देखिए, चाचा जिंदाबाद। क्या नाम है? मेरा नाम है जी आमिर खान। सर पे किसकी टोपी है? ओवैसी चाचा की जी। झंडा भी है हाथ में? हाँ जी, ओवैसी चाचा का झंडा है। तो ओवैसी चाचा से इतनी मोहब्बत क्यों? हाँ जी मोहब्बत है। हाँ जी। फिर जैन चाचा का क्या होगा? अखिलेश चाचा कौन है जी? हम जानते ही ना जैन चाचा को। अखिलेश चाचा को जानते हो? नहीं जी, मैं नहीं पता जी कौन है। योगी चाचा को? जी योगी चाचा को हैदराबाद का जी। अरे योगी ये तो सांसद है जी। ये तो वैसी साहब है हैदराबाद के, इनको जानते हो? हाँ जी। इतने दूर के लोग को जानते हो? यहाँ तुम्हारे जैन चौधरी पास के हैं। हमें तो पता नहीं जी कहाँ के है जी। मेरठ के है जी, बता रहे भाई। मेरठ के? हाँ जी मेरठ के, बता रहे भाई। कौन सी पढ़ते हो? हाँ जी। कौन सी क्लास में? सिक्स्थ में जी। आगे क्या करना है? कुछ भी नहीं जी, कुछ नहीं। पढ़ना है जी बस। आगे तो आगे पढ़ना है। हाँ, नौकरी लगवानी, नौकरी लगवानी, नौकरी। तो नौकरी तो जैन चौधरी देगा, अखिलेश देंगे। वैसे चाहता देंगे नौकरी जी। अरे वैसी चाहता मोदी ने तो एक भी भर्ती, मोदी ने तो एक भी भर्ती नहीं काटी जी। बोलो देख लो तभी। अरे भर्ती बहुत मिली है तुमको? क्या ही नहीं, क्या ही भी नहीं काटी जी। मेरा भाई यार नहीं पिला, देखो मेरे भाई नहीं पिला यार, नहीं पिछा खड़े। बताओ लंदी सड़क तोड़ दी जी, बताओ। अरे सड़क से उठा के नौकरी मिल रही है तुम? क्या ही भी नहीं, मेरे भाई नहीं फिर रहे यार, सड़क तोड़ दी, सड़क तोड़ दी। अच्छा वो वैसी साहब से तुमको क्या लगा? उनके भाषण सुनते हो? हाँ जी। भड़क गए हो भाषण? शेर है जी वे तो। गिद्दड़ है? शेर है। भड़काऊ है? नहीं शेर है, शेर शेर है, शेर। अरे सुनो सुनो, वोट कटवाओ कहा जाता है उनको? वोट कट नहीं, तो कौन? लोग नु कहते हैं कि बीजेपी का अध्यक्ष है, कुछ नहीं है अध्यक्ष। अध्यक्ष ये तो शेर है, शेर शेर है, तो शेर शेर है। हाँ जी। अच्छा उस दिन एक दिन गोली चली थी शेर पे, क्या कहोगे इस पे? शेर बच गए, शेर बच गए, शेर बच गए, शेर अल्लाह ने बचाए है। अल्लाह ने बचाए। तो वो वैसी साहब ने खुद चलवाया है गोली? वो वैसी साहब वे नहीं जी। हाँ कौन थे? खुद नहीं चलवाया। कौन थे? दुश्मन थे तो दुश्मन। अच्छा घर वाले वोट देते हैं? हाँ जी। अभी घर वालों से बात हो रही थी उधर, तुम शायद वही होंगे गांव के। हाँ जी। वो बोले हम एमआईएम को वोट नहीं देंगे। किनको जी? एमआईएम को वोट नहीं देंगे, पतंग को। पतंग को देनी पड़ेगी जी, वे नहीं देवेगा हम तो देवेगा जी। तुम्हारा वोट कहाँ है? तुम्हारा वोट है? मेरे बापू की है, मेरी माँ की है। तुम्हारी मम्मी पापा तो जैन चौधरी के पीछे हैं। कोई नहीं, पतंग पतंग। अरे पतंग अखिलेश के, अखिलेश के साथ है भैया। बोले कि नहीं देखो अखिलेश और जैन का साथ अच्छा है। साइकिल तो टूट गई। अरे पतंग भी तो कट गई। पतंग पतंग तो बंदरी में, ये बंदरी यहाँ दिखने से थोड़ी होगा। ये बंदरी पतंग तो, अरे यहाँ दिखने से थोड़ी होगा। और
भाई उड़नी उड़नी भी चाहिए ना, वोट भी पड़नी चाहिए। भी थोड़ी देर पहले उड़ी थी पतंग भी, कहाँ पड़ी? देख क्या ये क्या है भाई, इसमें हमारे पर्चे हैं। तुम्हारे पर्चे हैं? हाँ, इसके। थोड़ा भाई साहब इनके पर्चे दिखा दे हम एक बार आप लोगों को। अरे इधर इधर, अरे भागो मत ना, देखो। अच्छा शर्माओ मत, शर्माओ मत। अच्छा सुनो, आगे नेता बनना है? नहीं, नेता नहीं बनना है, नौकरी लगवानी है। तो नौकरी लगवानी है तो नौकरी MIM के अरशदुद्दीन ओवैसी साहब कहाँ लगा पाएंगे? पर्चे है, ये पर्चे है जी। अच्छा देखो पर्चे है। तो ये झोले लेके तुम ही घूमते हो दिन रात? नहीं, हमको घूमते हम तो डेली घूमे, प्रचार कर रहे हैं। प्रचार कर रहे हो? पैसे मिले हैं? हमें पैसे नहीं चाहते, हमें मोहब्बत है। वैसी चाचा को मोहब्बत है, मोहब्बत है। हम तो उस पार्टी के समर्थक है जिसने 1961 में 50 टन सोना दिया था। ये बच्चा है, तुम्हारी उम्र कितनी है भाई? 12 साल है जी मेरी उम्र। 12 साल है और कह रहे हैं वो वैसी चाचा से मोहब्बत है और उनकी मोहब्बत में हम घूम रहे हैं ये पर्चा लेकर झंडा लेकर। तो खैर दो ही ऐसे नेता हैं जिनके बारे में अगर आप बच्चों से भी पूछेंगे तो वो बता देंगे कि हम उनको जानते हैं। एक हमारे देश के प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी है और दूसरे हैं क्या? मेरी ख्वाहिश है वैसे चाचा से मिलना है। मिलना है? हाँ, अभी भी मिले। अभी मिले हो? हाँ। अभी मिले हो? सेल्फी लिए हो? हैदराबाद जाओगे? हैदराबाद तो दो नेता है जिनके बारे में अगर आप बच्चों से पूछेंगे तो बता देंगे कि ये फलाने हैं, ये वो हैं। जो वही वो वैसी साहब का मोहब्बत है, ये हमारे हाथ में भी है, इसको आप पकड़ो। तो ये बच्चे के हाथ से मैं ले लिया था, तो ये था 15 साल इसकी उम्र है और पढ़ रहा है और ओवैसी साहब से इसको मोहब्बत है। तो खैर देखिए ये मोहब्बत ओवैसी साहब को किस मुकाम पर लेके जाता है, क्योंकि लोगों का प्यार उनको मिल रहा है और उत्तर प्रदेश की सियासत में जब उन पर गोली चलती है तो कुछ समीकरण में बदलाव आते हैं। कई लोग उनके जो मुखालफत कर रहे थे वो भी अब समर्थन में आ गए। तो 10 मार्च को फैसला होगा कि MIM के खाते में कितने सीट जाते हैं। 100 सीटों पे वो चुनाव लड़ रहे हैं, 100 सीटों पे उनके उम्मीदवार ताल ठोक रहे हैं। तो 10 मार्च को पता चलेगा कि उत्तर प्रदेश की सियासत में किसको कितना बहुमत और किसकी सरकार बनती है, किसके हाथों में उत्तर प्रदेश का बागडोर होगा। तब तक बने रहिए आप हमारे साथ। ये छपरौली विधानसभा से द कंटाप के लिए प्रफुल्ल।